हर चैप्टर का अगला टॉपिक है महावीर और बुद्ध भव व्यवस्था। जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों वैदिक धर्म से कटकर अलग हुए थे और उसकी शाखाएं थे, पर उन्होंने वेदों को प्रमाण नहीं माना। तमाम और बातों में सबसे बुनियादी बात यह है कि आदि कारण के बारे में वे या तो मौन है या उसके अस्तित्व से इनकार करते हैं। दोनों अहिंसा पर बल देते हैं और ब्रह्मचारी भिक्षुओं और पुरोहितों के संग बनाते हैं। उनके नजरिए एक हद तक यथार्थवादी और बुद्धिवादी है। जैन धर्म का एक बुनियादी सिद्धांत यह है कि सत्य हमारे दृष्टिकोण की सापेक्षता में होता है। इसमें जीवन और विचार में तपस्या के पहलू पर बल दिया गया है। तो जो इसमें मेन बात बताई गई है वो ये है कि जो जैन धर्म था और जो बौद्ध धर्म है, दोनों ही क्या है, जो वैदिक धर्म था उससे कटकर अलग हुए थे। तो ये दोनों ही धर्म क्या है, वैदिक धर्म की शाखाएं हैं और दोनों ही अहिंसा पर बहुत अधिक बल देते हैं और दोनों ही ब्रह्मचारी भिक्षुओं और पुरोहितों के संग बनाए थे और दोनों का जो नजरिया है वो यथार्थवादी और बुद्धिवादी है और दोनों ही जीवन के प्रत्येक पहलू में तपस्या को बहुत अधिक मानते हैं, तपस्या पर बहुत अधिक बल देते हैं। जैन धर्म के संस्थापक महावीर और बुद्ध समकालीन थे और क्षत्रिय थे। बुद्ध की मृत्यु ईस्वी पूर्व 544 में 80 वर्ष की आयु में हुई और तभी बौद्ध संबंध शुरू हुआ। तो जो जैन धर्म के संस्थापक थे महावीर और बुद्ध, दोनों क्या थे, समकालीन थे, एक ही समय के थे और दोनों क्षत्रिय थे। तो जो बुद्ध है उनकी मृत्यु हुई थी ईस्वी पूर्व 544 में जब वो 80 साल के थे और जब उनकी मृत्यु हुई तभी से क्या हुआ था, बौद्ध संबंध शुरू हुआ था। इतिहासकारों ने बात की तारीख यानी ईस्वी पूर्व 487 दी है। जो इतिहासकार है उन्होंने जो तारीख दी है बौद्ध संबंध शुरू होने की वो दी है ईस्वी पूर्व 487। यह संयोग की बात है कि मैं ये पंक्तियां बौद्ध संबंध 2488 की पहली तारीख को वैशाखी पूर्णिमा के दिन लिख रहा हूँ। बौद्ध साहित्य में लिखा है कि बुद्ध का जन्म वैशाख के महीने में इसी पूर्णिमा के दिन हुआ था। तो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं वो जब लिखने बैठे थे, जिस तिथि में वो लिखने बैठे थे उसी तिथि में क्या हुआ था, जो बुद्ध है उनका जन्म हुआ था वैशाख के महीने में इसी पूर्णिमा के दिन हुआ था। तो ये भी जो लिख रहे हैं सारा कुछ वो भी वैशाख के महीने में पूर्णिमा के दिन लिख रहे हैं। तो इसी तिथि को उन्हें क्या हुआ था, बौद्ध की प्राप्ति हुई थी। जो बौद्ध की प्राप्ति हुई थी वो भी इसी तिथि को हुई थी गौतम बुद्ध को। और जो अंत में उनका जो निर्वाण हुआ था, उनको उनके मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, वो भी इसी तिथि को हुई थी। तो ये सब क्या है, सब संयोग की बात है। बुद्ध में लोक प्रचलित धर्म, अंधविश्वास, कर्मकांड एवं पुरोहित प्रपंच और उनके साथ जुड़े हुए निहित स्वार्थों पर हमला करने का साहस था। तो जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने अपने समय में जो प्रचलित धर्म थे, अंधविश्वास थे, कर्म कांड होते थे जो धर्म पे आधारित होते थे और जो पुरोहित लोग थे अपने स्वार्थों को सिद्ध करने के लिए लोगों से तरह तरह के काम करवाते थे, तो इन सब चीजों का उन्होंने बहुत अधिक विरोध किया। उनमें बहुत अधिक साहस था, इसका उन्होंने साहस के साथ विरोध किया है। उन्होंने आध्यात्मिक धर्म वैज्ञानिक नजरिए की तथा चमत्कारों, अलौकिक व्यापारों आदि की भी निंदा की है। तो उन्होंने क्या किया है, जो आध्यात्मिक चीजें थी, लोक परलोक, आत्मा परमात्मा, इन सब का विरोध किया। और जो चमत्कार हैं इस सब का भी उन्होंने विरोध किया। उन्होंने कहा चमत्कार वगैरह कुछ नहीं होता और अलौकिक व्यापारों आदि की भी निंदा की। लोक परलोक से संबंधित जो चीजें बताई हैं लोगों ने उसकी भी उन्होंने निंदा की है। उनका आग्रह क्या था, तर्क और विवेक पर और अनुभव पर था। तो वो कहते थे कोई भी काम करना है तो हमें उसको तर्क के आधार पर और अपनी बुद्धि से हमें किसी भी चीज को करना चाहिए और अपने अनुभव के आधार पर कोई काम करना चाहिए, ना कि धर्म कर्म से या अंधविश्वास पर हमें टिके रहकर किसी काम को करना चाहिए। उनका बल नैतिकता पर था। उनकी पद्धति मनोवैज्ञानिक विश्लेषण की थी, तो वो नैतिकता पर बहुत अधिक बल देते थे और उनका जो विश्लेषण था वो मनोवैज्ञानिक था। किसी भी चीज को वो मनोवैज्ञानिक तरीके से ही देखते थे, ऐसा मनोविज्ञान जिसमें आत्मा के लिए जगह नहीं थी। तो वो आत्मा को नहीं मानते थे और उनका जो मनोविज्ञान था वो ऐसा था जिसमें आत्मा के लिए कोई स्थान नहीं था। बुद्ध ने भव व्यवस्था पर सीधा वार नहीं किया, लेकिन अपनी संघ व्यवस्था में उन्होंने इसे कोई स्थान नहीं दिया। तो जो गौतम बुद्ध थे उनकी जो संघ व्यवस्था थी उसमें उन्होंने भव व्यवस्था को कोई स्थान नहीं दिया। हमारे समाज को चार वर्णों में बांट दिया गया था, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, लेकिन जो गौतम बुद्ध थे उनको ये चीज पसंद नहीं थी। तो हालांकि उन्होंने इस पर सीधा वार नहीं किया, सीधा हमला नहीं किया, इसके खिलाफ ज्यादा नहीं बोला, लेकिन वो इसको पसंद नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने अपनी संघ व्यवस्था में इसको कोई स्थान नहीं दिया। यह विचित्र और महत्वपूर्ण बात है कि भारतीय इतिहास के लंबे दौर में पुरोहित प्रपंच और भव व्यवस्था की कठोरता के विरुद्ध बड़े लोगों ने बार बार चेतावनी दी है, फिर भी धीरे धीरे भव व्यवस्था का विकास और विस्तार होता चला गया।
तो ये बहुत ही विचित्र और महत्वपूर्ण बात है कि भारत का जो इतिहास है, इतना लंबा इतिहास रहा, सभी सभी दौर में क्या हुआ, जो ये पुरोहितों के प्रपंच होते थे, कर्म कांड करते थे जो पुरोहित लोग, और जो ये बल व्यवस्था थी, सभी ने इसका कठोरता से विरोध किया था, लेकिन फिर भी क्या हुआ, जो ये बल व्यवस्था थी वो खत्म नहीं हुई, इसका विकास होता चला गया और इसका विस्तार होता ही चला गया। इसने भारतीय जीवन के हर पहलू को अपने शिकंजे में जकड़ लिया है। तो ये जो बल व्यवस्था है, जाति व्यवस्था है, इसने भारतीय जीवन के हर पहलू को अपने शिकंजे में जकड़ा हुआ है। हर कोई इससे बहुत अधिक प्रभावित है। जात के विरोधियों के बहुत से अन्याय हुए, पर समय के साथ उनके समुदाय की अपनी अलग जात बन गई। तो ये जात व्यवस्था थी, जो वर्ण व्यवस्था थी, उसका विरोध करने वाले बहुत से लोग हुए, लेकिन समय के साथ साथ जो ये समुदाय लोग, जो ये समुदाय थे, जो ये जात व्यवस्था का विरोध कर रहे थे, तो क्या हुआ, जो ये इनका अपना अलग समुदाय बन गया और ये एक अलग जात बन गई। जैन धर्म जो अपने मूल धर्म के विरोध में खड़ा हुआ था, जात के प्रति सहिष्णु था और खुद उसने अपने को इसके अनुरूप बना लिया। तो जो जैन धर्म था वो इसने, जो उसका मूल धर्म था उसका उसने विरोध किया, और जो ये जात के प्रति क्या था, सहिष्णु था। जो ये बल व्यवस्था थी उसके प्रति ये सहिष्णु था, सहनशील था, और खुद उसने क्या किया, अपने आप को इसके अनुरूप ही बना लिया। इसलिए क्यों, इसलिए यही वजह है कि जो ये जैन धर्म के लोग हैं वो आज भी हैं, इनका अस्तित्व है आज भी, और ये हिंदू धर्म के एक शाखा के रूप में जाने जाते हैं। ये जाना जाता है कि जो ये जैन धर्म है वो हिंदू धर्म की ही एक शाखा है। बौद्ध धर्म ने जाति व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। तो जो बौद्ध धर्म था उसने जाति व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया, और जो बौद्ध धर्म के विचार थे और दृष्टिकोण था वो जैन धर्म था उससे ज्यादा स्वतंत्र था। इसी वजह से क्या हुआ, जो बौद्ध धर्म के लोग थे वो भारत में टिक नहीं पाए और यहाँ से चले गए, और जैन धर्म जो है वो आज भी बना हुआ है।